गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के भारती लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक नया चैप्टर है, नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का एक टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सेमेस्टर फर्स्ट, ठीक है, एंड सेकंड। सभी ब्रांच पढ़ते हैं इसको, और टॉपिक का नाम तो मैंने, सब्जेक्ट का जो नाम है बेसिक केमिस्ट्री में भी पढ़ना है इसको, बेसिक केमिस्ट्री, ठीक है, और अप्लाइड केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। अप्लाइड केमिस्ट्री यानी दोनों सब्जेक्ट में ये कॉमन टॉपिक है, आप अच्छे से इसको देखिएगा। ऐसे मेरा दो वीडियो इस पे बन चुका है, तो मेरे दो वीडियो को आपने देखा होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड ये आ रहा था कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस होता तो पढ़ने में अच्छा होता, तो ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात, ठीक है। और मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आप लोग के टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं मैं उस पर बात करूँगा, ठीक है। तो एक बात बता देता हूँ कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे कुछ दूर तक तो हम लोगों का सिलेबस यानी बेसिक केमिस्ट्री वाले और अप्लाइड केमिस्ट्री वाले का सिलेबस एकदम मैच करता है, लेकिन अंत में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको कि दोनों को अलग अलग पढ़ना है। तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, मैं वीडियो बना दूंगा, आपको जो टॉपिक की ज़रूरत होगी उसकी वीडियो आप देख लेंगे। अभी शुरुआती कुछ लेक्चर, तीन चार लेक्चर जो मेरे पास जाएंगे, मेरे वीडियो जाएंगे, उसमें कॉमन है, आप अच्छे से देखिए समझिए, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से फिर से वीडियो बना रहा हूँ और थोड़ा तेज चलूँगा, ठीक है। मान के चलूँगा कि आप एक बार सेमेस्टर पढ़ चुके हैं तो अच्छे समझेंगे, लेकिन फिर भी इनिशियल स्टेज से स्टार्ट कर रहा हूँ। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कोई पूछता है तो आप बताएंगे कि इलेक्ट्रो अलग शब्द है, केमिस्ट्री अलग शब्द है, केमिकल और इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है इसमें। केमिकल केमिस्ट्री से आता है। बहुत सारे केमिकल का मतलब जितने भी तत्व आपके पास अभी तक खोज हुए हैं उसकी बात करते हैं, उनसे मिल करके कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, तो केमिकल कहलाता है। और इलेक्ट्रिसिटी जानते होंगे आप, बिजली जो घर में यूज करते हैं आप, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, ठीक है। तो करना क्या है इस चैप्टर में, यदि आपके पास कोई केमिकल है और उस केमिकल से बिजली बनाना है, बिजली बना के देना है आपको, या अगर आपके पास कोई बिजली यानी करंट है उसे कोई केमिकल रिएक्शन कराना है, तो ये दोनों फेनोमेना हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। यानी सीधा सा बात ऐसे कह सकते हैं कि एक रिलेशनशिप बनाना है, एक संबंध बनाना है केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में, करेक्ट। किस किस एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। यदि मेरे पास केमिकल होगा तो मैं उसमें कुछ रिएक्शन करा के बिजली बना दूंगा, यदि मेरे पास बिजली होगा तो उस केमिकल में डालेंगे बिजली तो रिएक्शन करने लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको साधारण भाषा में समझाऊं तो घर में देखते होंगे आप, आपके घर में इतना बड़ा बैटरी रखा हुआ होता होगा जो इन्वर्टर का बैटरी है, कभी सोचे कि वो चार्ज कैसे होता है, ठीक है। तो आप बोलते होंगे सर बिजली आएगा तो चार्ज होगा, तो चार्ज कैसे होता है, मतलब अंदर में होता क्या है, तो आप बोलते हैं अंदर में एसिड रहता है। आप लोग की भाषा बात कर रहा हूँ जो कि जनरल एक सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है, ठीक है। तो एसिड होता है, तो ये एसिड है क्या, केमिकल तो है, H2SO4 होगा उसके अंदर, ठीक है। तो वो केमिकल आयंस में टूटता है, तो हम आयंस के बारे में आपको पढ़ाएंगे, तब आपको समझ में आएगा, अच्छा बिजली से केमिकल रिएक्शन उत्पन्न हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए, और वही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब बिजली कट जाती है तो बिजली के रूप में वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसको कि केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो घर का जो बैटरी है उसमें दोनों फिनोमेना हो रहा है, दोनों काम हो रहा है, इलेक्ट्रिकल से केमिकल, केमिकल से इलेक्ट्रिकल। आगे चल के उसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं, वो सेकेंडरी सेल है, सेल दो टाइप के बांटेंगे, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, लेकिन यहाँ पर कुछ और दो टाइप से यहाँ नाम दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, सेल अलग अलग कैटेगरी करके बांटा गया है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, उस पर भी पहुँचेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। म्यूचुअल मतलब एक दूसरे का सहभागी। इस पूरे चैप्टर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेंगे और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेंगे, बस इतना ही एम करना है, दो ही काम को करना है सर, दो ही काम को करने में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, तो ये जो कन्वर्जन करना है, ऐसे करते थोड़ी जो है कि हाँ जी हो जाएगा कन्वर्जन, ऐसा नहीं होता है, उसके लिए हमको सेटअप करना पड़ता है, केमिकल डालना पड़ता है, वायर्स कनेक्ट करना पड़ता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेल। दीज अबव कन्वर्जन हैपन बाय द हेल्प ऑफ सेल।
सेल के बिना ऐसा कन्वर्जन या तो केमिकल से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल से केमिकल संभव नहीं है। तो जो इस तरह के कन्वर्जन कराने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसका नाम है सेल, करेक्ट। तो यहाँ पर दो तरह के सेल हम लोगों को जनरली देखने को मिलेंगे। एक का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, यानी हम बिजली देंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगा। और गैल्वेनिक सेल, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अब यहाँ देखिएगा, ठीक है, यहाँ जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल रहा है। तो ये दोनों बातों को याद रखना है। अब आप क्वेश्चन तुरंत पूछेंगे, सर ऐसे कैसे हो जाएगा, कैसे बदल देता है? तो अभी ये इन चैप्टर को पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके लिए मैं डेफिनेशन बताया, यहाँ तक आप लिखेंगे, लेकिन कैसे हुआ इसकी जानकारी के लिए थोड़ा पेशेंस रखना होगा। हम लोग इसको पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हम लोग को पढ़ लेना होगा, ठीक है, क्योंकि जब मैं इसको बताने लगूंगा, इसका पूरा पिक्चर बनाऊंगा, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टर्म यूज होंगे। अब उस टर्म को जब मैं बोलूंगा तो आपके पास समझ में नहीं आएगा। जैसे रेसिस्टेंस पहला शब्द आ गया, नाम सुने हैं लेकिन एग्जैक्टली नहीं जानते हैं। कंडक्टर, नाम सुने हैं नहीं जानते हैं, ओके। रेसिस्टिविटी, ठीक है, तो ये भी एक नया शब्द है। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे नए नए टर्म आने वाले हैं, जब मैं इस सेल को पढ़ाने लगूंगा तो यूज होने लगेगा, ओके। तो इसलिए पहले उन शब्दों को हम लोग समझ लें, सिलेबस भी कहता है पहले उन शब्दों को समझें। इसमें मैं बहुत बार एटम यूज करूंगा, बहुत बार आयन यूज करूंगा, तो फिर आप सोचने लगेंगे सर एटम क्या होता है और ये आयन क्या होता है, क्या एटम और आयन सेम होता है, क्या दोनों में कोई अंतर है? तो बहुत सारा चीज बुक सिलेबस में मैं देखा कि सभी चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो मैं बारीक बारीक छोटी छोटी बातों को मेंशन करूंगा। बस सुनते रहना है, वीडियो देखते रहना है, कहीं परेशानी होती है तो कमेंट्स करके हमको वापस बताइएगा कि हाँ सर हमको यहाँ यहाँ समझ में नहीं आया। आप पर्सनल कॉल कर सकते हैं, ठीक है, अब मेरा नंबर मेरा आप सब लोगों के पास है, ठीक है, और नहीं है तो आप मैसेज कीजिए, ये यूट्यूब वाले मैसेज पे मैसेज कीजिए और मैं आपको नंबर दे दूंगा। चलते हैं, तो कंडक्टर्स किसे कहते हैं, सबसे पहला टर्म यही आ रहा है, कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ऐसे टर्म जो हम लोग के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज्ड होते हैं, ठीक है। कंडक्टर, जब हम कंडक्टर का बात करते हैं तो हिंदी में इसका होता है चालक, क्या होता है, चालक, चलाने वाला, कंडक्टर, ठीक है, चलाने वाला। किसे कहते हैं कंडक्टर, तो कंडक्टर का मतलब बहुत सारा शब्द हो गया। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ रहे हैं तो वो वाला कंडक्टर लेंगे, बस वाला कंडक्टर नहीं लेंगे, वो भी कंडक्टर है, बस को चलाता है, ठीक है, ड्राइवर है लेकिन चलाने का काम वो, डायरेक्शन देने का काम वही करता है, तो वो कंडक्टर की, वो भी कंडक्टर है लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, ठीक है, जो बिजली को प्रवाह करता है या इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता है या आयन को फ्लो कराता है, उसे कंडक्टर कहते हैं। यानी कि वैसा कोई भी सब्सटेंस विच अलाउ, जो आदेश देता है जाने के लिए, अलाउ करता है जाने के लिए, बोलता है इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज नोन एज कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को धारा को प्रवाह करने में मदद करता, बोलता जाओ धारा इसमें प्रवाह होगा, वैसे किसी भी सब्सटेंस में जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है उसे हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। पेन, क्या इसमें धारा प्रवाहित होगा, नहीं, तो ये कंडक्टर नहीं हुआ, ठीक है, क्यों नहीं हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये अभी फिलहाल करंट फ्लो नहीं कराता है। स्विच का बाहरी भाग नहीं करंट फ्लो कराता, बेकेलाइट का बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे टर्म हैं जो करंट फ्लो नहीं कराते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो करंट फ्लो कराते हैं। चलते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने दिया, ऑल मेटल्स, जितने भी धातु आपके पास हैं सभी के सभी कंडक्टर्स हैं। फ्यूज्ड साल्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट, एक्वस फ्यूज्ड साल्ट, ठीक है, साल्ट आपके पास ठोस रहता है। आप नमक का डब्बा में जाइए, नमक का डब्बा का मतलब हो गया इतना बड़ा, जो नमक का पैकेट मिलता है उसमें डब्बा में भर दीजिए और ऊपर एक तार दे दीजिए, नीचे तार दे दीजिए, उसके बाद उसको बल्ब जोड़ दीजिए, करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा नमी डाल दीजिएगा, पानी डाल दीजिएगा, तो वो फ्यूज्ड हो जाएगा। जैसे ही फ्यूज्ड होगा, अब उसमें अगर तार जोड़िएगा, बहुत जोर का झटका लगेगा, तो फ्यूज्ड साल्ट हुआ। आगे बढ़िए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट, पानी मिला देना है, पूरा घोल देना है, शरबत पीते होंगे, शरबत नहीं, नमक वाला, नमक घोल, नमक का घोल बनाइए,
ठीक है, किसी फिल्म में भी आया था, साल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सुने भी होंगे, आप हंसे भी होंगे उस पर। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि साल्ट वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है। लेकिन सर ये तो डेफिनेशन पढ़ाए, मेन बात बताया ही कहाँ। अब मेन बात को सुनिए, कंडक्टर बोलने का मतलब हम लोग के दिमाग में सिर्फ मेटल घुस जाता है, धातु जी नहीं। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो धातु नहीं हैं, कंडक्टर्स, जैसे एग्जांपल के लिए अभी बताया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस साल्ट, घोल किसी एसिड का, एसिड तो घोल बिलियन के रूप में ही रहता है, सल्फर क्या बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ऐसे बहुत सारे हमारे पास हैं एसिड्स जो कि करंट फ्लो कराते हैं। तो यहाँ सोचने के बाद पता चला कि सर अगर हम एसिड लेंगे, करंट फ्लो करा रहा हो तो कंडक्टर हुआ, धातु लिए वो भी कंडक्टर हुआ, दोनों कंडक्टर हुए। इसका मतलब हुआ कि कंडक्टर दो तरह का हुआ, ठीक है, कैसे कैसे दो तरह का हुआ सर। तो एक कंडक्टर का नाम है मेटालिक कंडक्टर, जो ठोस होता है जी, उसमें देखते होंगे जो धातु एकदम ठोस होता है उसके अंदर आयन्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। और एक का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जिसमें ठीक है आयन्स घूमते रहते हैं, आयन्स घूमते रहते हैं, इसमें जो एटम्स होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, इसमें लूजली पैक्ड होते हैं, आयन्स होते हैं इसके अंदर। तो तीन तीन शब्द यहाँ पर मैंने फिर आपके पास आज अभी ले आया। पहला सर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक से बना है इलेक्ट्रोलाइट, मेटल तो जानते होंगे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऐसा कोई वस्तु जिसमें मारने पर ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है, बहुत सुरीला ध्वनि उत्पन्न होता है, पीटने पर पत्थर बन जाता है, इसको हम लोग मेटल कहते हैं। ये मेटल के बारे में पढ़े हैं आप लोग 10 क्लास में। इलेक्ट्रोलाइट एक नया शब्द आया, दूसरा एटम एक नया शब्द आया, तीसरा आयन एक नया शब्द आया। तो सर इसके बारे में भी पढ़ लें थोड़ा, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इन दोनों का डेफिनेशन जान लें, इन दोनों का डेफिनेशन कि मेटालिक कंडक्टर किसको कहते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किसको कहते हैं। जब ये पढ़ लेंगे तब हम आपको इसमें एक नया शब्द आया इलेक्ट्रोलाइट, इस पर बात करेंगे। तो हर वो बारीक बात जो आपको यहाँ पर लगता है कि हमको ये समझ में नहीं आता है, प्लीज़ ठीक है आप लिखें नोट्स कॉपी में सारी बातों को, और जो चीज़ समझ में नहीं आता है उसको अंडरलाइन करके प्लीज़ हमसे आप पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा हर छोटे छोटे टर्म को कंप्लीट करा दें। चलते हैं, तो अब इन दोनों के डेफिनेशन पे बात करते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ गया, नेक्स्ट आता है मेटालिक कंडक्टर, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जो कि मैंने अभी लास्ट बोला कि मेटालिक कंडक्टर के बारे में बताऊंगा और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में बताऊंगा। तो मेटालिक कंडक्टर किसे कहते हैं, वैसा कंडक्टर जिसमें जो करंट तो फ्लो, कंडक्टर है तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से करंट फ्लो करेगा। जैसे देखिए मैंने लिखा कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम, या इस तरह के जितने भी मेटल होंगे कोई भी ले सकते हैं आप। अब आइए इसके अंदर, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये मेटल्स है, ये मेटल है, मेटल के अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब इसमें यदि मैं बैटरी लगा दूंगा, बैटरी का मतलब जिसे आप बहुत सारी भाषा में बोलते हैं, एक का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस PD, दूसरा नाम है इसका वोल्टेज, ठीक, तीसरा नाम है इसका EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो तीनों का नाम हम आपको बताएंगे, तीनों अलग अलग जगहों पर, तीनों एक ही चीज़ है, अलग अलग जगह जगह अलग अलग जगह जाने पर ये बदल जाता है नाम, ठीक है, बट तीनों एक ही चीज़ है। तो मैं तीनों के बारे में आपको एक एक करके आगे मिलेगा तीनों का डेफिनेशन, ठीक है, आप बताऊंगा भी मैं। तो जब इसमें मैं सप्लाई वोल्टेज देता हूं और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इसे हम लोग नाम क्या देते हैं, मेटालिक कंडक्टर। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो नोट करने वाला है, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए यहां नो एनी, विदाउट एनी केमिकल डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन मतलब केमिकल का टूटना, केमिकल का बनना होता है, इसमें कोई भी केमिकल डीकम्पोजिशन नहीं होता है, करेक्ट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ इस मेटालिक कंडक्टर का, ठीक है। अब तुम्हारे पास दूसरा आता है कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर।
यह एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मटेरियल है, ठीक है, जिसमें करंट जो फ्लो होगा वो आयन के द्वारा होगा, पॉजिटिव आयन, आयन, देखिए आयन पढ़ाऊंगा मैं थोड़ी देर में, आयन या नेगेटिव आयन के द्वारा होगा, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन। आयन कैसे बनता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। नाम जानते भी होंगे, NaCl अगर आपके पास है तो Na, अगर इसको फ्यूज स्टेट में लाया जाए तो Na+ और Cl-, ये आयन का रूप, ये हो गया नेगेटिव आयन और ये हो गया पॉजिटिव आयन, इन्हीं के द्वारा, ठीक है, ये करंट फ्लो कराएगा। ओके, तो इसमें एसिड, बेस और साल्ट, आपके पास तीन एग्जाम्पल हैं। ये जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की तरह काम करते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट बात, इसमें केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। कभी डिफरेंस लिखने आ जाए तो आप इधर उधर करके बहुत सारी बात लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। केमिकल डिकम्पोजिशन से ही आयन्स का ट्रांसफर होगा और आप इसमें करंट फ्लो होते हुए देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे है कि केमिकल सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही होता है, इसमें केमिकल डिकम्पोजिशन हुए बिना इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और उस वैसे कंडक्टर को मेटालिक कंडक्टर बोलते हैं। इसमें केमिकल के डिकम्पोजिशन के द्वारा आयन्स का निर्माण होता है और आयन्स के फ्लो, अब जैसा कनेक्शन करोगे वैसा फ्लो होगा, नेगेटिव किधर जाएगा, पॉजिटिव एक साइड जाएगा और एक नेगेटिव एक साइड जाएगा, उससे करंट उत्पन्न होगा, यानी करंट फ्लो करेगा, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलेंगे। थोड़ा ध्यान से और धीरे धीरे आराम से लिखते भी जाना है और समझना भी है। तो आप क्या करें, इसको लिखें और ये फोटो बना लें, इसको लिखें और ये फोटो बना लें, समझने के लिए फोटो बनाना, अदरवाइज फोटो इज नॉट नेसेसरी, पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, समझ गए तो आप इतना नोट कीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको आगे लेके जाता हूँ, कुछ नए नए टर्म, तीन टर्म मैं बताऊंगा, एक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है पहला टर्म, दूसरा आयन क्या होता है और तीसरा एटम क्या होता है। एटम के अंदर ही तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, रदरफोर्ड खोजा था। इलेक्ट्रॉन के एटम होता है, एटम सबसे छोटा चीज़ है जिसको डिवाइज नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको तोड़ा गया, तीन पार्ट उसके मिले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं आप लोग। तो एटम के बारे में बताऊंगा और फिर आयन्स के बारे में बताऊंगा, इन दोनों में अंतर भी बताऊंगा, अगला टॉपिक मेरा वही है, इलेक्ट्रोलाइट, एटम और आयन। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे। तो क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जा रहा है, आप लोगों को भी डाउनलोड करने में बहुत समय लगेगा, सभी लोगों का डिमांड है छोटा छोटा वीडियो बना के भेजें, तो ऑलरेडी 17-18 मिनट का वीडियो हो गया है। तो अब हम अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग का टॉपिक होगा एटम, आयन और इलेक्ट्रोलाइट। प्लीज़ कहीं से एक बार स्टडी करके बैठिएगा तो मेरी बातें और ज़्यादा क्लियर होंगी आपको, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है, थैंक यू लिखिए, या अपने जो भी मेरे आपको परेशानी होती है समझने में या इससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो उसमें पुटअप कीजिए, पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छी पढ़ाई। चलिए, थैंक यू।